राई, तोरिया और सरसों की फसलों को कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें लगने वाला सबसे प्रमुख कीट है चेपा, जिसे माहू या लाही के नाम से भी जानते हैं। बहुत अधिक संख्या में होने पर ये पूरे पौधों का रस चूस लेते हैं। इनसे उपज में 97% तक नुकसान हो सकता है। कम तापमान, अधिक आर्द्रता और आसमान में बादल होने पर चेपा में प्रजनन तीव्र हो जाता है। बचाव। शुरू में ही चेपा प्रभावित टहनियों को चुन चुन कर तोड़ देना चाहिए। यदि चेपा का प्रकोप अधिक हो तो 1 हेक्टेयर में ऑक्सीडीमेटॉन मिथाइल 25 EC यानी मेटासिस्टॉक्स या फिर डाइमेथोएट 30 EC यानी रोगोर की 1 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से रोकथाम संभव है। समय पर बुआई करने और जल्दी पकने वाली उन्नत किस्में उगाने से भी इस फसल में चेपा कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि नाइट्रोजन की अधिक उपयोग से चेपा अधिक आता है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का इस्तेमाल करना सही होगा। आरा मक्खी। यह कीट फसल के वानस्पतिक अवस्था में नुकसान पहुंचाती है। इसकी सुंडी पत्तियों में छेद करती है, जबकि वयस्क पत्तियों को किनारे से खाते हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर पूरी पत्तियां नष्ट हो सकती है। आरा मक्खी के रोकथाम के लिए पहली सिंचाई के समय ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी समय पर इस मक्खी पर आंशिक नियंत्रण किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 500 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो इस दवा का छिड़काव दोबारा भी किया जा सकता है।